आज के इस भव्य कार्यक्रम में आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी जम्मू एंड कश्मीर के नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी, मेरे साथ दिल्ली से आए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री श्री तरुण चुग जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल सिंह जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे, पूर्व अध्यक्ष अशोक खजूरिया जी, अभी पूर्व अध्यक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री कविंद्र जी, भारत की संसद में मेरे आज के सहयोगी श्री शमशेर जी और श्री जुगल किशोर जी, मंच पर विराजमान हमारे जम्मू कश्मीर के मेयर, हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता जम्मू एंड कश्मीर, इसके सभी विभिन्न हिस्सों से आए समर्पित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मीडिया के मित्रों, यूं तो जम्मू में कश्मीर में आने का अवसर पहली बार मुझे 60 के दशक में मिला था। मेरे सगे चाचा प्रेम सिंह गुप्ता यहाँ पर एसोसिएटेड ट्यूबवेल्स ऑफ इंडिया के अंदर एक वरिष्ठ पद पर थे, उनको यहाँ सरकारी मकान मिला हुआ था, तो हम लोग छुट्टियां मनाने के लिए कभी कभी यहाँ पर आया करते थे। 1969 में मैं संघ का स्वयंसेवक बना था और उसके बाद से आज तक कई बार जम्मू कश्मीर में आने का सौभाग्य मिला अनेक कारणों से। बीच में एक बार जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन का मैं सचिव था, तो हमारे प्रिय नेता जिन्होंने दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी को बहुत आशीर्वाद और मार्गदर्शन दिया, ऐसे श्री केदारनाथ साहनी जी के नेतृत्व में थे। उस समय जब लोग कहते थे कि यहाँ पर पत्ता भी जो है आसानी से नहीं हिलाया जा सकता, आतंकवाद शायद अपनी चरम सीमा पर था, तो वो दिन मैं भूलता नहीं जब यहाँ के कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर कई हजार यहाँ के लोगों का कार्यकर्ताओं का एक बड़ा कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पवित्र स्मृति को नमन करने के लिए किया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति को हम लोग दिल्ली में 23 जून और 6 जुलाई को दिल्ली के कार्यकर्ता वर्षों से कार्यक्रम करते हैं, उसका माल्यार्पण करते हैं उनकी मूर्ति पर जाकर। जितने साल मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन का सचिव रहा, हमारे सहयोगियों में हमारे साथ मिलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर रिसर्च करना, कलकत्ता में उनके घर को, उनकी पुरानी तस्वीरों को डिजिटलाइज करना और उनके जीवन के एक छोटे से छोटे चैप्टर को, पेज को सारे दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी हम लोगों को जब मिली थी, तो आज जो भारत के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, वो भी हम लोग सब मिलकर काम किया करते थे।
हर 6 जुलाई को कलकत्ता में जाकर बड़ा कार्यक्रम किया करते थे। लेकिन मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूं कि मेरे पास शब्द नहीं है कि आज जब मैंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यहाँ मूर्ति के ऊपर माल्यार्पण किया तो जिस आनंद की, जिस संतोष की और जिस प्रकार की आत्मा की तृप्ति हुई उसको शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। और जब आज पहली बार यहाँ पर हवाई जहाज से उतर के नीचे जब पहली सांस ली तो मुझे लगा कि कुछ भिन्न है। और इस सपने को जिसको हम लोगों ने वर्षों तक संजोया था अपने हृदय में, मन में, जिस सपने को साकार करने के लिए पिछले 7 दशक में हमारे पता नहीं कितने कार्यकर्ताओं ने, कितने स्वयंसेवकों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और प्रेमनाथ डोगरा जी जैसे आपके क्षेत्र के कार्यकर्ता, कितनी लंबी सूची है उसको उल्लेख करना, उनको आज स्मरण करना, उनकी पवित्र स्मृति को आज नमन करना, मुझे लगता है कि आज शायद उनको जितनी खुशी हो रही होगी और जितना ज़्यादा आशीर्वाद और अरविंद जी को दे रहे होंगे उसको भी शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। मैं हृदय की गहराइयों से अरविंद जी को बधाई देता हूँ। बधाई मैं इसलिए भी देना चाहता हूँ कि मैं उनको टेलीविजन पे देखा करता था। जब यहाँ पर हमारी पार्टी की सरकार थी, निर्मल जी उस समय शुरुआती दौर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तो इनका टेलीविजन पर बयान आता था और मैं देखता था कि अक्सर जो इनका बयान होता था तो वो कुछ ना कुछ सरकार के खिलाफ होता था, कुछ ना कुछ जो है सरकार के किसी एक्शन के बारे में जो है ये विरोध करते होते थे या कोई अपने जो राष्ट्रीय धर्म की भावना है उसको ये जैसे लगता था कि कुछ व्यक्त करने से रोक ही नहीं पा रहे, एकदम बेचैन होते थे। तो मुझे भी कभी कभी समझ में नहीं आता था कि ये तो वहाँ के MLA हैं, इनकी सरकार है, ये कैसे ये सब कर रहे हैं। लेकिन फिर मैंने इनके बारे में जब पता किया तो मुझे पता लगा ये एक निष्ठावान भाजपा के कार्यकर्ता भी है और एक कर्तव्यनिष्ठ स्वयंसेवक भी है और इसके कारण ये अपना राष्ट्र धर्म जो है, राष्ट्र धर्म को जो समर्पित जीवन है उसके लिए जो कुछ कहना सुनना बोलना है उससे ये बाज नहीं आ सकते, उससे ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और मैं इसलिए हृदय से आपको बहुत ज़्यादा बधाई भी देता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ, नमन भी करना चाहता हूँ आपका और ढेर सारी शुभकामनाएं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी की ओर से और अभी जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष है श्री JP नड्डा जी की ओर से भी आपको देना चाहता हूँ। आप सब, हम सब जो आज के दौर के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ये युग देखा है, हम लोगों को वो दिन भी याद है जब 1984 में हमको संसद में 2 सीटें मिली थी और हमारे प्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा था कि हम चुनाव जरूर हारे हैं लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे हैं। उस समय जब अटल जी ने ये कहा था तो हम में से किसी ने कल्पना नहीं की थी कि यही हमारे प्रिय अटल बिहारी वाजपेयी जी 1 दशक के बाद भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, एक बार नहीं बनेंगे फिर दूसरी बार बनेंगे, दूसरी बार नहीं फिर तीसरी बार बनेंगे। और हमने फिर वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का महान नेतृत्व देखा। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम याद करते हैं अपनी पार्टी के नेता के रूप में नहीं, एक ऐसे नेता के रूप में जो इस देश के हर व्यक्ति के, वो किसी भी राजनीतिक दल का हो,
किसी भी जाति मजहब का हो, किसी भी पंथ का हो, वो उनको हृदय से रिस्पेक्ट करता है। वो इस देश के 135 करोड़ लोगों के हृदय सम्राट है। आज हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को उस रूप में याद करते हैं। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये देश उस रूप में याद करता है जिन्होंने जो कुछ कहा वो थियोरिटिकल नहीं था, उन्होंने प्रैक्टिकली अपने जीवन के अंदर जो उनका कमिटमेंट था, उनकी आइडियोलॉजी थी, उनका विचार था, उनकी सोच थी, उसको अपने जीवन में क्रियान्वित करके एक आदर्श सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों के लिए प्रस्तुत किया। ये हम सबका और भारत का दुर्भाग्य है कि यंग एज में वो महान नेता इसी जम्मू कश्मीर के अंदर असाधारण परिस्थितियों में, उन परिस्थितियों की आज चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, उनकी मौत हुई। और उनकी मौत के कष्ट को और उनके नेतृत्व की गहराई और सच्चाई और ऊंचाई, उसको इस देश के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी भूल नहीं सकते। हम सब मिलकर आज के इस अवसर पर हृदय की गहराइयों से उनकी पवित्र स्मृति को नमन करते हैं। और फिर हमने देखते ही देखते एक नया युग देखना शुरू किया, जब 2014 में हम सबके प्रिय साथी और हम सबके प्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। हम सब ने देखा कि वो प्रधानमंत्री तो मई 2014 में बने, लेकिन उनकी घोषणा होने के बाद से लेकर और उनके प्रधानमंत्री बनने की जो यात्रा थी, इस देश के अंदर हर जगह एक ही सेंटीमेंट था, जिसको अगर ये कहें अंग्रेजी में तो ही बिकेम सिंबल ऑफ द एस्पिरेशंस ऑफ इंडियंस, एस्पिरेशंस ऑफ यंग इंडिया। एवरी पर्सन हु कुड सी दैट दिस इज अ मैन, हियर इज अ मैन विद अ ड्रीम, हु अपीयर्स टू बी ऑनेस्ट, सिंसियर एंड कमिटेड। आज मैं 2020 में जब आपके बीच में नरेंद्र मोदी जी का उल्लेख कर रहा हूं, तो इसलिए नहीं कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं या एक स्वयंसेवक हूं, इसलिए नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐसा कह रहा हूं, लेकिन पिछले लगभग 5.5-6 साल के अंदर उनकी कैबिनेट में उनका सहयोगी होने के नाते उनको बहुत नजदीक से काम करते हुए देखा है। उनके जज्बे की जो गहराई है उसको अपनी आंखों से देखा है, समझा है, उसका एहसास किया है। जब देश के गरीब लोगों को तकलीफ होती है, देश के किसी हिस्से में भी किसी को पीड़ा होती है, तो उनकी पीड़ा को मैंने उनकी आंखों को डबडबाते हुए कई बार उनको इमोशनल होते हुए देखा है। और देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, उसके लिए योजनाओं को बनाना, योजनाओं को फिर बनाने के बाद उनको विजन को एक्शन प्रोग्राम में परिवर्तित करना, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कराना, और उसके बाद 8-8, 10-10 घंटे लगातार मीटिंग करके एक एक योजना का छोटे से छोटा जो एस्पेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट होते हुए देखना, उसको मॉनिटर करना, ऐसा असाधारण निष्ठा वाला, ऐसा असाधारण जज्बे वाला, ऐसे असाधारण दृष्टिकोण और विजन वाला प्रधानमंत्री, और 5 साल के अंदर जो कुछ भी उन्होंने किया, जो भी योजना बनाई, 5 साल के बाद हम ये कहने की स्थिति में थे कि आप हमें योजना का नाम बताइए, हम उसी योजना के हजारों लाखों नहीं, हम उस योजना के देश के हर हिस्से के अंदर करोड़ों लाभार्थी जो है आपको बता सकते हैं, और उन लाभार्थियों के बारे में ये कह सकते हैं कि वो किसी जाति के नहीं है, वो किसी मजहब के नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर प्रांत के नहीं है, उनको वो लाभ देते हुए उन्होंने किसी बात का विचार नहीं किया, केवल वो भारतीय हैं, और केवल मानवतावादी दृष्टिकोण से उनके लिए काम किया,
तो मैं कभी कभी ये कहता हूँ और बड़े विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि ये भारत के लोगों का सौभाग्य है। भारत के लोग बहुत भाग्यशाली हैं, 135 करोड़। और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शायद भारत के 135 करोड़ लोगों के ऊपर कोई ना कोई देवी माँ की कृपा हुई है, और ये तो हमारी देवियों की परम देवी हमारी वैष्णो माता का जो है प्रांत है, तो उनकी कृपा भारतवासियों के ऊपर हुई कि उनको 2014 में और उसके बाद फिर दोबारा 2019 के अंदर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और फिर हम सब ने इसी दौर में देखा कि हमको एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला जिसने हमको देखते ही देखते खेल ही खेल में एक बूथ से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक प्रेरणा देते हुए एक एक गांव में, एक एक प्रांत में, एक एक शहर में, एक एक कस्बे में जाकर कार्यकर्ताओं को प्रेरित करके, और हमें देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना दिया। अभी तरुण चौधरी ने ठीक ही कहा कि कई ऐसे देश हैं जिनकी संख्या लाखों के अंदर है या कुछ करोड़ों के अंदर है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या जो है, मेंबर्स की संख्या, वो आज 18 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। हमने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखा और फिर हमने उनको गृह मंत्री के रूप में भी देखा, देख भी रहे हैं। और फिर किस तरीके से ये देश नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का, जो देशवासियों के ऊपर किया गया उपकार है, इसको कभी भूल नहीं पाएगा। हम सब उनके हमेशा ऋणी रहेंगे, क्योंकि जो सपना हम सब लोगों ने संजोया था, और हम सब जानते हैं कि ये सपना जो हमने संजोया, ये राष्ट्र हित के अंदर संजोया। आज अगर धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटी है, आज अगर ट्रिपल तलाक का बिल पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ है, आज अगर सुप्रीम कोर्ट में सब प्रकार के प्रयासों के बाद भगवान राम के जन्म स्थान पर भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए आदेश दिया है, और आज अगर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट देश की संसद में बनाया है, तो ये सब हर भारतवासी के हित में है। जो भी लोग इसके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, वो भी सब जानते हैं कि दुष्प्रचार करना शायद उनकी राजनीतिक मजबूरी है। प्रभु श्री राम वो हम सबके हृदय हैं, वो हम सबके मन हैं, वो इस देश की आत्मा है। और धारा 370 को समाप्त करने के बाद जिस प्रकार का वातावरण जम्मू कश्मीर के अंदर बना है, जिस तरह से थोड़े ही समय के अंदर यहाँ पर एक नॉर्मल वातावरण यहाँ के लोगों ने, मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूँ बड़े विश्वास के साथ, पिछले 6 महीने के अंदर, अभी पिछले समय के अंदर, अगले 5 साल के अंदर भारत के अंदर क्या क्या करना है, किस किस मंत्रालय की क्या क्या योजना हो सकती है, हमारा विजन क्या हो सकता है, इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने तक तो डिटेल्ड प्लानिंग कराई, और 6 महीने के बाद सारी कैबिनेट, सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सारे अधिकारियों के बीच में उसके प्रेजेंटेशन कराए, और वो प्रेजेंटेशन देखने के लिए कई कई घंटा वो स्वयं सब मंत्रियों के साथ बैठे। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि आप देखेंगे आज समय नहीं है उन चीजों का उल्लेख करने का जो अगले 5 साल के अंदर आप इस जम्मू कश्मीर के अंदर देखने वाले हैं। ऐसा सर्वांगीण विकास आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे जो जम्मू कश्मीर के किसी भी नागरिक के कभी कल्पना में भी नहीं आया होगा। और आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर एक एक मंत्री आएगा यहाँ, एक एक मंत्री जम्मू कश्मीर के एक एक हिस्से में जाएगा और आप सबको आके वो बताएगा कि उसने जो है जम्मू कश्मीर के लिए क्या योजना बनाई है, कितनी सारी योजनाओं के ऊपर
काम शुरू हो चुका है। अब मैं अपने डिपार्टमेंट की केवल बात करूं तो आप सोचिए कि 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और 10 नए मेडिकल कॉलेज केवल 5 साल के अंदर, ये कोई छोटी बात नहीं। और पता नहीं कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं हेल्थ से लेकर और दूसरे डिपार्टमेंट से। तो ये शायद इतिहास का केवल इमोशनल क्षण नहीं है, हम सब के लिए ये विषय शायद इमोशनल हो सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के विकास की दृष्टि से, जम्मू कश्मीर में रहने वाले अपने सभी भाई बहनों, बुजुर्गों, बच्चों और नौजवान, इनको शायद कभी कभी गलत डायरेक्शन के अंदर भेजने के लिए मिसगाइड किया जाता है, उन सब के लिए ये आने वाला समय स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं आज के इस अवसर पर अपने नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को और जितने भी यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं उनको सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक एक घर में जाइए, जो भी गलत फहमियाँ कहीं भी फैलाई जा रही है, अगर आप सच्चाई को सामने रखेंगे, जो सच्चाई होती है उसकी ताकत होती है वो अनबीटेबल होती है। कहते हैं सत्यमेव जयते जयते होता है, ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स। हमारे साथ आपके साथ सच्चाई है, और जहाँ सच्चाई होती है, ईमानदारी होती है, कर्तव्य परायणता होती है, धर्म परायणता होती है, लोग कर्तव्य निष्ठ होकर काम करते हैं, उन सब कामों को भगवान का भी आशीर्वाद मिलता है। और आज शायद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे सभी भारत के अंदर और भारत के बाहर जो भी ऐतिहासिक काम हो रहे हैं उनको भगवान का आशीर्वाद केवल इसलिए प्राप्त है क्योंकि वो केवल एक बात को नहीं छोड़ रहे हैं, वो अपने राष्ट्र धर्म को नहीं छोड़ रहे हैं, वो अपने मानव धर्म को नहीं छोड़ रहे हैं, वो अपने समाज धर्म को नहीं छोड़ रहे हैं, और उसी के ऊपर कमिट होकर वो भारत को उन ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। आप सब जानते हैं वो पहले 2022 में नया भारत बनाना चाहते हैं। मैं उस कार्यक्रम में था 2017 के अंदर, 11 अशोक रोड पर शाम को 6 बजे उन्होंने एक भाषण दिया, बहुत ही मार्मिक भाषण था। उन्होंने सारे लोगों को कहा कि थोड़ी देर के लिए आप सब इमेजिन करो कि इस समय 2017 नहीं है, इस समय 1942 है। और उन्होंने कहा जो 1942 में नहीं भी थे वो भी इमेजिन करो कि 1942 में देश में क्या सेंटीमेंट था, भारत छोड़ो का सेंटीमेंट था, हम अपनी आज़ादी की लड़ाई को लड़ रहे थे और उसके 5 साल के बाद हमको आज़ादी मिली। और उन्होंने कहा 2017 है, आज से ठीक 5 साल के बाद हमारी आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे। और मैं आप सबको चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ सपना देखो कि जैसे 1942 में सबने सपना देखकर 1947 में आज़ादी प्राप्त की, ऐसे 2017 में हम नया सपना देखें और 2022 के अंदर जब हमें अपनी आज़ादी के 75 वर्ष मनाने का मौका मिले तो हम भारत के 135 करोड़ भारतवासियों को एक न्यू इंडिया डिलीवर करें, ऐसा इंडिया डिलीवर करें जिस इंडिया में सबके चेहरे पर मुस्कान हो, सबके दुखों का निवारण हो, हर बच्चे के लिए स्वास्थ्य की, शिक्षा की, पोषण की व्यवस्था हो, हर बुजुर्ग के स्वाभिमान की रक्षा हो, हर बहन के लिए पर्याप्त सुरक्षा का इंतजाम हो, और इस देश से हम जितने भी तमाम किस्म के कोई जातिवाद के नाम पर, कोई प्रांतवाद के नाम पर, कोई भाषावाद के नाम पर, कोई अलगाववाद के नाम पर, कोई नक्सलवाद के नाम पर, कोई आतंकवाद के नाम पर, कितने प्रकार के वाद और ये जो बीमारियां हैं, इन सब बीमारियों से हम मुक्त करें देश को, और देश में एक ही बीमारी से सब लोग पीड़ित हों और वो बीमारी हो राष्ट्रवाद की। ये प्रधानमंत्री मोदी के 2017 के भाषण को मैं स्मरण कर रहा था और मुझे पूरा विश्वास है कि जब पूरी नई ऊर्जा के साथ हम सब मिलकर सपना देखेंगे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पूरे नॉर्थ ईस्ट से
दूसरे कोने तक सब लोग जब ये सपना देखेंगे तो निश्चित रूप से पहले नया भारत न्यू इंडिया, हम सबके सपनों का न्यू इंडिया हमारी आंखों के सामने हमें देखने का मौका मिलेगा। हम में से कितने लोगों ने सपना सालों से देखा, लेकिन कितने लोगों को ये विश्वास था कि हमको ये दिन देखने को मिलेगा, लगता था पता नहीं हमारे जीवन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कितने बड़े बड़े नेताओं ने सपना देखा, लेकिन बेचारे आज वो ये दिन देखने के लिए नहीं है दुनिया। तो निश्चित रूप से हमें पहले न्यू इंडिया और फिर बाद में ऐसा विश्व गुरु भारत जो सारी दुनिया के लिए आदर्श होगा, सारी दुनिया का मार्गदर्शन करेगा, ऐसे पुनीत और पवित्र अवसर, इसी प्रकार के सपने उनको नए सिरे से संजोने का पवित्र अवसर है। और हमारे रविंद्र रैना जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का संगठन सारे देश के संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए आदर्श की नई ऊंचाइयों को स्थापित करेगा। आज के अवसर पर मेरी यही कामना है, यही भगवान से प्रार्थना है। मैं उनको पुनः अपने सभी राष्ट्रीय नेताओं की ओर से बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने मेरी बात धैर्य से सुनी है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।